हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र साहू, इंग्लिश लेक्चरर, SM इंटर कॉलेज, गोसाईगंज, लखनऊ। टुडे आई एम गोइंग टू यू टेल अबाउट द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ ईयर 2020-21। व्हाट इज द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ यूपी बोर्ड ऑफ क्लास 11th। तो नाउ द लेटेस्ट सिलेबस हैज बीन चेंज लास्ट अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर। तो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द लेटेस्ट सिलेबस। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2020 से 21 का लेटेस्ट सिलेबस इंग्लिश का क्या हो गया है। तो आपको पुराना सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्लास फर्स्ट ईयर में, तो क्योंकि आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसलिए पुराने सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है और लेटेस्ट सिलेबस को ही पढ़ना है। इसलिए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर बता रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, उन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। और मेरे चैप्टर्स को मैं आपको बुक को पलट करके एक एक दिखा रहा हूँ, देखते जाइए, और उन्हीं लेसन को आपको ही अपने इस कोर्स में दिस ईयर के लिए पढ़ना है। तो नाउ आई एम कमिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑफ द यूपी बोर्ड ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर की हॉर्नबिल बुक है, इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों को मिक्स करके इस कोर्स को सिलेबस को बनाया गया है। तो इसमें पहले सभी छात्रों को जो क्लास फर्स्ट ईयर में है वो देख लें बुक कौन सी है। ये काका पब्लिकेशन की बुक है, हॉर्नबिल द टेक्स्ट, इसमें लिखा टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास फर्स्ट ईयर कोर कोर्स, कंप्लीट कोर्स उसको दिया गया है। और इसमें से आप ऐसे देख सकते हैं, तो इसमें क्या है, हॉर्नबिल NCERT के पैटर्न पर दी गई है। ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के अनुमति एवं सहायता से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज द्वारा प्रकाशित टेक्स्ट बुक, बारकोड भी इसमें है। और इसका कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज़ ओनली। ये किसकी पब्लिकेशन के द्वारा है, ये काका एंड काका सन्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिया गया है। और इसका सिलेबस आपको हम चलते हैं कि क्या सिलेबस है। इसका जो सिलेबस है ये है, नेक्स्ट पेज पर ये है कंटेंट। कंटेंट पर हम लोग चल रहे हैं, तो कंटेंट में क्या है, जो पहले हमें दिया गया है कंटेंट में, कंटेंट में हमें क्या दिया गया, पहला रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल अबाउट द बुक के बारे में बताया गया, पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह का। और इसी में पोएट्री या फोटोग्राफ भी है, सिरले टॉल्सन की जो ऐड की गई इसी में ऐड कर दी गई है। और दूसरे पर हम लोग चल रहे हैं, दूसरा लेसन हमारा कौन सा है, वी वर नॉट अडैप्टेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, गार्डन कुक एंड द एलन ईस्ट के द्वारा है। तीसरा लेसन है डिस्कवरिंग टक्ट, द सागा कंटिन्यूज, AR विलियम्स के द्वारा। और इसी में पोएम भी है, द लंबो रूम टॉप, टेड ह्यूग्स का दिया गया है। और चौथा है लैंडस्केप ऑफ द सोल, नथेले टॉवल रेडी के द्वारा दिया गया है। और इसी में पोएम भी ऐड की गई, द वॉइस ऑफ द रेन, वाट व्हाइटमैन के द्वारा। और फाइव लेसन में जो है द एलिंग प्लैनेट है, इसको भी ऐड किया गया है द ग्रीन मोमेंट्स रोल के द्वारा। अब इसमें भी नैनी पखवाले के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसके द्वारा इस पर हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज हमारा क्या है, इसमें दिखाया गया है नेक्स्ट लेसन पर द ब्राउनिंग वर्जन, फिर उसके बाद उसमें पोएम चाइल्डहुड ऐड की गई है, फिर सेवन पोएम है द एडवेंचर, फिर इसके बाद है सिल्क रोड निक मिडिल्टन के द्वारा, फिर इसमें पोएम है फादर टू सन को ऐड किया गया है एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा। और बाकी ये सब राइटिंग स्किल हैं। अब इसी बुक की ओर थोड़ा आप चल रहे हैं, राइटिंग, नोट मेकिंग, समराइजेशन, सबटाइटल, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये सब उसी में पूरे बुक में ऐड किया गया है। तो आप सभी लोगों को उसी अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग ही नया सिलेबस ही पढ़ना है। इस तरह बुक को दिया गया है, एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। ये कंप्लीट प्रोज एंड पोएट्री की बुक है, इसी तरह बुक को पूरा ऐड किया गया है। और पीछे की ओर थोड़ा अगर हम लोग चल रहे हैं, तो पीछे की ओर भी थोड़ा देखते देखते चल रहे हैं, नोट मेकिंग, कैसे नोट हम लोग बनाएंगे, ये सब दिया गया है पूरा बुक में, पूरा कोर्स में दिया गया है। समराइजिंग कैसे है ये दिया गया, चाइल्ड चिल्ड्रन को क्या करना है, रिशहरा इसके बारे में क्या है, सब टाइटलिंग कैसी है, ये सभी चीज़ें बुक में पूरा, ऐसे राइटिंग कैसे क्या क्या क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द NCERT पैटर्न पर है टोटल बुक को। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, लेटर राइटिंग्स है, फॉर्मल इनफॉर्मल सभी प्रकार के लेटर्स हैं। तो इस प्रकार से आप पूरी क्रिएटिव राइटिंग क्या है, कैसे क्या क्या क्रिएट करके लिखना है, तो इस प्रकार से हम लोग आ सकते हैं। देख रही है आप सभी लोग, देखिए रॉयल्टी पेड बुक है, ये काका प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दी गई है।
काका संस के द्वारा। यही कंप्लीट टेक्स्ट बुक है, प्रोज एंड पोएट्री मिक्स की है, सभी को इसी तरह पढ़ना है और पुराने सिलेबस को जरा सा भी नहीं पढ़ना जो क्लास फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ये सप्लीमेंट्री की बुक है, स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडिंग इंग्लिश फॉर क्लास फर्स्ट ईयर कोर कोर्स कंप्लीट कोर्स को दिया गया है। द समराइजेशन ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द टेल ऑफ द मिलन सिटी, इसमें द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द अदर स्टोरी, सभी स्टोरीज को इसमें ऐड किया गया है। उसमें आपने देखा था प्रोज था, इसमें प्रोज पोएट्री उसमें था, इसमें सप्लीमेंट्री का ही ऐड किया। ये भी NCERT द्वारा ही अनुमोदित, आप किसी भी प्रकार की पब्लिकेशन देख सकते हैं, मगर मोस्टली राजीव प्रकाशन है, साहित्य भवन है, काका पब्लिकेशन। इस बुक की प्राइस जितनी है केवल ओनली 7 रुपीज़ है, ओनली 7 रुपीज़। दिस इज अ गुड बुक ऑल्सो। अब इसके कंटेंट्स की ओर हम लोग चल रहे हैं कि क्या इसमें कंटेंट्स में दिया गया है, कितने लेसन्स हैं, उसकी ओर हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा कंटेंट्स आ गया। इसके पहले क्या था, फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो बुक के लिए, पब्लिकेशन के लिए। ये हमारा सिलेबस है कंटेंट, तो इस कंटेंट पे पहले हम लोग चल रहे हैं। तो पहला लेसन हमारा क्या है कंटेंट्स में, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, विलियम सोरेन के द्वारा लिखा गया है, सप्लीमेंट्री है ये। तो दूसरा क्वेश्चन द एड्रेस, मार्गा मिंको के द्वारा लिखा गया है, मार्गा मिंको के द्वारा। तीसरा है द रंगास मैरिज, रंगा जो है इसकी मैरिज, वस्ती व्यवस्था अय्यंगर के द्वारा, मस्ती वेंकटस्या अय्यंगर के द्वारा लिखा गया है। और फिर उसके बाद चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन एड स्कूल, पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद है पाँचवा लेसन है मदर्स डे, मदर्स डे इसको JB प्रेस्टर के द्वारा लिखा गया है। फिर नंबर 6 है लेसन सप्लीमेंट्री की बातें चल रही है, सप्लीमेंट्री में द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। नंबर 7 बर्थ AJ क्रॉनलिन के द्वारा लिखी गई है। और ये शॉर्ट स्टोरी जो है द टेल ऑफ द वेलन सिटी, इसको विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई। तो ये 8 लेसन जो है सप्लीमेंट्री में ऐड किए गए हैं इस बार, हटो नए हैं, पुराने सिलेबस को सभी को हटा देना है, नए सिलेबस की हमें तैयारी करते रहना है। तो जिससे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस विलियम सोरेन के द्वारा लिखी गई है, इसमें शॉर्ट स्टोरी है, इसको भी लोग देखते हैं कैसे कैसे थोड़ा सा दिया गया है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी इसमें दिया गया है कि कैसे, और व्हाइट हाउस के बारे में दिया गया, व्हाइट हाउस के बारे में बताया गया है, इसे पिक्चर भी इंडिकेट किया गया है, स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और अबाउट द लेसन भी थोड़ा थोड़ा दिया गया है, एड्रेसेस, ये देखो दूसरा लेसन है स्टार्ट हो गया द एड्रेस मार्गा मिंको के द्वारा। इसी तरह पूरे पोएम को सिलेबस को अपडेट किया गया है। ये रंगर्स मैरिज की बुक स्टोरी है, स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट बुक है, इसी में आइंस्टीन का जो है ये लेसन चल रहा है। तो सभी प्रकार से आप पूरे बुक को ध्यान से पढ़िए, लेटेस्ट न्यू सिलेबस है, बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है, आप लोग ध्यान से लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत ही अच्छा रहेगा सिलेबस। द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड अमिताभ घोष के तरफ बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, एक डाइंग यंग मैन की एक्सपीरियंस है जो कश्मीर से लेकर के यहाँ पर आता है, और अब वहाँ पर सब आने के वाले सभी प्रकार की चीज़ों को अमिताभ घोष ने इसमें ऐड किया है। तो सबसे लास्ट में हम लोग चल रहे हैं, ये लास्ट की बुक का पेज है, इसमें क्या है, ये भी रॉयल्टी बुक है, रॉयल्टी पेड बुक है, मनीष परिषद के द्वारा, प्रयागराज के द्वारा रिलेटेड की गई है। और इसको अधिकृत मुद्रण इसको जो पापक काका पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के द्वारा ही रिलेटेड कराया गया है, एडिट कराया गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी नए सिलेबस को देखते रहें, अगर ग्रामर की बुक भी आपको देखें तो ये नया सिलेबस जो ग्रामर का है, ये ग्रामर में तो लगभग सभी बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की भी, चाहे एक्सीलेंट हो, न्यू स्टाइल हो, विद्या हो, रेन एंड मार्टिन हो, कोई भी पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की पब्लिकेशन बुक की ग्रामर तो कंपलसरी, सभी उसी तरह से ही। अभी गवर्नमेंट की बुक ही इस बार पब्लिकेशन के द्वारा दी गई है, इसका पहले पेज पर हम लोग चल रहे हैं। ये भी देखिए ये किसका पब्लिकेशन है, जनरल इंग्लिश क्लास फर्स्ट ईयर, धर्मेंद्र अवस्थी द्वारा में बीएड की गई है, काका पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। ये भी 2135 रुपीज़ की इसको दिखाया गया है प्राइस, ये भी ईयर 2020-21 के लिए रिजर्व किया गया है, रिजर्व कर दी गई है। तो इसमें सब वही तरह पूरा ग्रामर पूरी वही है, हाउ टू गार्ड इन ग्रामर है, डायरेक्शन सिंथेसिस है, ग्रामर हाउ टू राइट गुड इंग्लिश, डायरेक्ट इंडायरेक्ट सिंथेसिस, फॉर्मेशन सेंटेंस, सेंटेंस बनाने में वो वन वर्ड वर्स पीडीएम प्राइस
पूरे टेंसेस सब उसी ट्रांसलेशन के में लगभग सभी पूरा ग्रामर का रूल्स पूरे जितना ग्रामर है सभी को ऐड किया गया है। और क्या इसमें देखिए, इसमें क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस है, नॉन फाइनाइट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, कंडीशनल यूजेस, सम यूजेस ऑफ ट्रांसलेशन और एसेज, जितने प्रकार के सब एसेज हैं सब एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलेबस में ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट पेज की ओर, न्यूज़पेपर एंड देयर इम्पोर्टेंस, नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, तो ऐसे लगभग सब उसी तरह ही ऐड किए गए हैं। तो ऐसे सब सभी बुकों, ये सभी बुकों में मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया, आप लोग इस तरह से पूरे नए सिलेबस को पढ़िए और अपने कम कोर्स को कंप्लीट करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।